डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो हमारे बॉडी के हर ऑर्गन पर अपना इफेक्ट दिखाती है। आंखों पर भी डायबिटीज का काफी सीरियस इफेक्ट होता है और देर होने से यह आपकी आंखों की रोशनी भी छीन सकती है। डायबिटीज के इफेक्ट से अपनी आंखों को कैसे बचाएं, यही है हमारा आज का। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सुमित अग्रवाल और आप देख रहे हैं आई हेल्थ फॉर यू, जहां आपको मिलते हैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में आंखों से जुड़े अपने सारे सवालों के जवाब। आंखों पर डायबिटीज का इफेक्ट सबसे ज्यादा आंख के पर्दे या रेटिना पर होता है। इस बीमारी को हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। डायबिटीज के लगभग 80% मरीजों को कभी ना कभी ये डायबिटिक रेटिनोपैथी की बीमारी हो सकती है। जितनी आपकी डायबिटीज की ड्यूरेशन बढ़ती जाती है, उतना आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी होने का रिस्क भी बढ़ता जाता है। अगर आपका शुगर कंट्रोल अच्छा है तो डायबिटिक रेटिनोपैथी होने का रिस्क भी कम रहता है। शुगर कंट्रोल चेक करने के लिए फास्टिंग और खाने के बाद की शुगर के बजाय HbA1c ये नाम की जांच से कंट्रोल का बेटर आइडिया पता चलता है। HbA1c बेसिकली पिछले 3 महीने का एवरेज शुगर कंट्रोल आपको बताती है और इसकी वैल्यू 6.5 या उससे कम होने को हम गुड कंट्रोल मानते हैं। डायबिटिक रेटिनोपैथी की अलग अलग स्टेजेस होती हैं। ये माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर, वेरी सिवियर, प्रोलिफरेटिव और लास्ट स्टेज जिसमें कि आपके अंदर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग और आपका पर्दा भी अपनी जगह से खिसक सकता है, लास्ट स्टेज में सर्जरी ही एक ऑप्शन हमारे पास बचता है। डायबिटिक रेटिनोपैथी की सबसे डेंजरस बात होती है कि शुरुआती स्टेजेस में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। आपकी आंख की रोशनी बिल्कुल परफेक्ट हो सकती है और इसके अलावा भी आपको कोई भी सिम्टम्स नहीं होते हैं। इसलिए डायबिटीज को आंख की रोशनी का साइलेंट किलर भी कहा जाता है। जब तक आपको आंख में परेशानी आती है तब तक बीमारी काफी आगे की स्टेजेस पे पहुंच जाती है और ऐसी स्टेजेस में हमें आंख में लेजर, इंजेक्शन या सर्जरी की भी जरूरत पड़ सकती है। इसीलिए इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज मैं आपको शुरू में ही दे रहा हूं, यदि आपने इसे फॉलो कर लिया तो जीवन भर आपकी आंखें बिल्कुल सुरक्षित रहेंगी। हर डायबिटीज के पेशेंट को हर साल कम से कम एक बार एक रेटिना स्पेशलिस्ट से अपने पर्दे की जांच जरूर करानी चाहिए। अब पर्दे की जांच या रेटिना की जांच के लिए आपकी आंख में पहले कुछ स्पेशल ड्रॉप्स डाली जाती हैं, जिससे आंख का प्यूपिल डायलेट हो जाता है और हम पर्दे की जांच ज्यादा डिटेल में और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। सिर्फ चश्मे के नंबर की जांच करना आंखों की कंप्लीट जांच नहीं होती। सबसे इंपॉर्टेंट आपका ब्लड शुगर का कंट्रोल होता है। जैसा हमने डिस्कस करा, ब्लड शुगर कंट्रोल चेक करने के लिए HbA1c की वैल्यू 6.5 या उससे कम रखनी चाहिए। इसके अलावा अपना डायबिटीज का मेडिकेशन आप सही टाइम पे रेगुलरली लेते रहें। रोज आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को वॉक करनी चाहिए। अपने फिजिशियन को आप रेगुलरली दिखाते रहें। इसके अलावा अपना ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ना हीमोग्लोबिन लेवल और किडनी फंक्शन जो हम क्रिएटिनिन से मेजर करते हैं, ये सब भी आपका कंट्रोल में होना चाहिए। अपना वेट कंट्रोल करना भी डायबिटीज कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहता है। शुरुआती स्टेजेस में ही इस बीमारी को आइडेंटिफाई करके और ट्रीट करके आपकी रोशनी को 100% तक बचाया जा सकता है। एक एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। डायबिटिक रेटिनोपैथी की एक स्टेज होती है प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी। इसमें पर्दे के ऊपर खून की नई ब्लड वेसल्स बनने लगती है और ये ब्लड वेसल्स कभी भी ब्लीडिंग कर सकती हैं आंख में। इस स्टेज को आइडेंटिफाई करके इसी स्टेज पे ब्लीडिंग होने से पहले अगर हम लेजर से आपको ट्रीट कर दें
तो आपके आंख में ब्लीडिंग होने का रिस्क 10 गुना कम हो जाता है और जीवन भर आपकी रोशनी को हम स्टेबल रख सकते हैं। एडवांस्ड डायबिटिक रेटिनोपैथी के हमारे मैक्सिमम पेशेंट्स का पहले कभी रेटिना चेकअप हुआ ही नहीं। यदि वो अपनी आंखों का रेगुलरली चेकअप कराते रहते तो शायद उन्हें इतनी बड़ी प्रॉब्लम का फेस नहीं करना पड़ता। डायबिटीज में आपकी रोशनी कम होने के 3 मुख्य कारण होते हैं। पहला, रेटिना में स्वेलिंग या मैक्युलर एडिमा। दूसरा, आंख के अंदर ब्लीडिंग या विट्रियस हेमरेज। और तीसरा, रेटिना या आंख के पर्दे का अपनी जगह से हटना, इसे हम रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं। रेटिना में स्वेलिंग या मैक्युलर एडिमा को ट्रीट करने के लिए हमें आंख में इंजेक्शंस लगाने की जरूरत पड़ती है। 1 से ज्यादा इंजेक्शन की भी जरूरत पड़ सकती है और ये इंजेक्शंस बहुत ही इफेक्टिव और सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है। विट्रियस हेमरेज या आंख के अंदर ब्लीडिंग होने पर हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। यदि ब्लड का अमाउंट कम है और बॉडी उसे अपने आप अब्सॉर्ब कर रही है तो हम वेट कर सकते हैं और साथ में लेजर कर सकते हैं। यदि ब्लड का अमाउंट ज्यादा है और उसे बॉडी अपने आप अब्सॉर्ब नहीं कर रही है तो ऐसी स्टेज में फिर हमें सर्जरी करने की जरूरत पड़ती है। इस स्टेज में भी सर्जरी के रिजल्ट्स काफी अच्छे होते हैं। रेटिना का अपनी जगह से हटना एक बहुत ही सीरियस कंडीशन होती है और इसमें आपकी आंख की रोशनी परमानेंटली भी पूरी तरह जा सकती है। ऐसी कंडीशन में जल्द से जल्द आंख की सर्जरी करना बहुत जरूरी होता है। तो कुल मिला के प्रॉपर शुगर कंट्रोल, बीपी कंट्रोल, वेट कंट्रोल, कोलेस्ट्रॉल और सबसे ज्यादा रेगुलर रेटिना के चेकअप से आप डायबिटीज के इफेक्ट से अपनी आंखों को पूरी तरह बचा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूं कि आपको इससे फायदा हुआ होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। कमेंट सेक्शन में डालिए अपने आंखों से रिलेटेड सारे सवाल ताकि मैं दे सकूं उनके जवाब। सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और प्रेस करिए नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन ताकि आप रेगुलरली पा सके आंखों से रिलेटेड सारी जानकारी। अच्छा देखिए, अच्छे से देखिए। धन्यवाद और नमस्ते।